डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विभा मिश्रा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड। कल हमने आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज आपको हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। सी ऑप्शन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। फर्स्ट है, द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो धमनियाँ होती हैं, रक्तवाहिकाएँ होती हैं, कैरी ले जाने का कार्य करती हैं ब्लड रक्त को फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से यानी हृदय से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। सेकंड देखिए, द बैकबोन एंड द बोन्स ऑफ द चेस्ट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। बैकबोन रीढ़ की हड्डियां एंड चेस्ट सीने की हड्डियां हमें सुरक्षा करती हैं। किसकी सुरक्षा करती हैं? हार्ट एंड लंग्स की। थर्ड है, मैसेज फ्रॉम द ब्रेन आर कैरीड बाई, जो हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में मैसेज जो संदेश जाता है वो किसके द्वारा जाता है? नर्व्स के द्वारा जाता है, जो तंत्रिकाएं होती हैं। फोर्थ है, द रूट्स ऑफ हेयर लाई इन द, जो हमारी बाल की जड़ें होती हैं वो कहाँ यानी कि स्थित होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं? तो स्किन, हमारी त्वचा में स्थित होती हैं। फिफ्थ है, ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरीज, रक्त कैरीज मीन्स ले जाते हैं फूड एंड ऑक्सीजन को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी हिस्सों में या भागों में ब्लड फूड भोजन और ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं। डी ऑप्शन में देखिए, ट्रू और फॉल्स, सही गलत। फर्स्ट है, द आइज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स। आइज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन, जैसा आप जानते हैं ये जितने पाँच हैं जो ये हमारे सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो ये पूछ रहा है क्या ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं? तो यस ट्रू, क्योंकि ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेकंड देखिए, द रूट्स ऑफ हेयर डू नॉट फील पेन, बाल की जो जड़ होती हैं वो हमें दर्द महसूस नहीं कराती हैं। तो फॉल्स, क्योंकि बाल की जड़ें हमें दर्द महसूस कराती हैं। थर्ड है, द ब्रेन लाई इनसाइड द स्कल, ब्रेन यानी दिमाग जो मस्तिष्क होता है वो स्कल खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, तो ट्रू। द ब्लूइश ग्रीन लाइन्स रनिंग थ्रू द बैक ऑफ द हैंड आर नर्व्स, यानी कि जो ब्लूइश ग्रीन लाइन होती हैं वो हमारे हाथ के पीछे के द्वारा यानी नर्व्स के द्वारा यानी कि दौड़ती हैं, या नर्व्स रहती हैं, तो फॉल्स, क्योंकि वो नर्व्स नहीं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं। फिफ्थ है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉइल्ड ट्यूब, जो हमारी आँत होती हैं यानी छोटी आँत कॉइल्ड ट्यूब एक मुड़ी हुई या कुंडली के रूप में होती है, कुंडलीदार नली होती है, तो ट्रू, क्योंकि आप आँत यानी छोटी आँत हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, छोटी आँत मुड़ी हुई कुंडलीदार या नली होती है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज पार्ट सेकेंड। एनी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।